another draw here at Gaddafi Stadium. Another game where lots of runs were scored. Ahmed Shahzad getting a double hundred, Saibzada Farhan getting a double hundred, Ali Zaryab scoring runs, everyone was scoring runs. But one man that stood in the way, one man who bawled his heart out from last 2 days, he's alongside me, Mohammad Ramiz Jr. for his excellent spell. He took 6 wickets. Unse baat karte hain, unke baare mein jante hain ki kahan se aaye, kaise ye sab hua aur kis tarike se is journey ko wo dekhte hain, kaise sum up karte hain. Ramiz, sabse pehle आपको बहुत बहुत मुबारक हो. बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की आपने. हार्ड वर्क फाइनली पेड ऑफ. यस यस बिल्कुल. अल्लाह ताला, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है. तो बस ये सब मेरे फादर मदर सब के पेरेंट्स की और मेरे फ्रेंड्स और जो मेरे क्लब मेट्स हैं और क्लब के जो ऑनर वगैरह हैं सब उन्होंने सपोर्टिव बहुत सपोर्ट किया. अल्लाह का शुक्र है. तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी है. फिर अभी 3 साल पहले पीछे चलते हैं जहाँ से आप सेकंड 11 के लिए क्रिकेट खेल रहे थे. जी. आपने क्या ऐसा डिफरेंट किया अपनी ज़िंदगी में कि आपको प्रमोशन मिली और अब आप यहाँ पे एक मेनस्ट्रीम बॉलर. कुछ नहीं, बस यही है कि हार्डवर्क करता रहा था. क्रिकेट में हार्डवर्क ही है तो अल्लाह ताला उसकी इज्जत देता है, फिर कवर करता है. हार्डवर्क से याद आया, पिछले 2 दिन बहुत हार्डवर्क किया, बहुत ज़्यादा ओवर हो गए, 65-67 ओवर से ज़्यादा ओवर आपने किए. बॉडी कैसा फील कर रही है? नहीं, बॉडी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि 6 आउट कर दिए हैं तो वो कवर हो गया सब कुछ. क्या आर्ट था? मतलब हमने देखा कि आपने मोस्ट ऑफ द टाइम आपने राइट एरियाज राइट चैनल में बॉल की. कंसिस्टेंसी, बस कि कंसिस्टेंट रहूं मैं, पेशेंस और कंसिस्टेंसी. हाँ जी. तो क्या पेस का भी ताल्लुक था इस कंसिस्टेंसी में कि किस पेस से बॉल करना है इस पिच पे? वेरिएशन, क्योंकि बैटिंग विकेट था बहुत ज़्यादा तो वेरिएशन के साथ ही बॉलिंग करनी पड़ी थी यहाँ पे. तो बस वो किया तो अल्लाह ताला ने उसका इज्जत दिया. और अगर मैं ये भी पूछूं कि आप पाकिस्तान डोमेस्टिक के सबसे 2 बेहतरीन बैटर्स को बॉल कर रहे थे, साबजादा फरहान और कामरान गुलाम, जो बहुत अच्छी फॉर्म में थे, तो क्या थॉट प्रोसेस था जब वो लोग इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे? बस यही था कि मैं उनको जगह पर बॉल करूँ. तो जब ये था कि जिस टाइम कोई ब्रेक हो गया या कोई चक्कर हो गया तो इंशाल्लाह ले जाऊंगा. बात तो अल्लाह ताला ने दिया है इज्जत. और वो जो जिस चक्कर की आप बात कर रहे हैं वो आपके दूसरे एंड से है, जब अली जरियाब ने वो ओपनिंग दी तो उससे आपका रास्ता हमवार हो गया. बिल्कुल बिल्कुल, उसने स्टार्ट दिया तो उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दी. तो आज जब आप खुद खाना खाने जाएंगे तो आपको अली जरियाब को भी साथ लेके जाना. बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर. अगर आपसे ये पूछे कि सबसे बेहतरीन विकेट आपको इन 6 विकेट्स में से सबसे अच्छी जिसको आपको तसल्ली हुई हो वो विकेट हासिल कौन सी थी? विकेट फरहान भाई की. जी जी बिल्कुल. कैसे सेटअप किया था उनको, क्या सोच रहे थे? बस यही था कि वो मतलब इतना ज़्यादा स्कोर था उनका, सेट थे वो. हाँ. तो मैं चांस ले रहा था कि शायद वो हिट करे तो थोड़ा फिल्टर मैंने लिया हुआ था उसके मतलब सर्कल से बाहर. मैं चांस लेता हूँ, वो लिया, बस अल्लाह ताला ने उसका अजर मिल गया मुझे. राइट, बहुत अच्छी बॉलिंग की आपने और बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ आपने बात की. बहुत सारी बातें आपसे मजीद करनी है लेकिन इंशाल्लाह अभी तो आगाज़ है. जी जी, हम चाहेंगे कि आप अपने फ्यूचर को इसी तरीके से करें और इसी तरह बॉलिंग करते रहें. जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह. बस थैंक यू, बहुत शुक्रिया. थैंक यू. या दैट वाज द स्टार परफॉर्मर मोहम्मद रमीज जूनियर अलॉन्ग साइड अस. दिस इज इट फ्रॉम Gaddafi स्टेडियम फ्रॉम दिस गेम. विल रिटर्न बैक आफ्टर 2 डेज. दैट गोना बी लाहौर ब्लूज टेकिंग ऑन मुल्तान आफ्टर 2 डेज ब्रेक. अंटिल देन, टेक केयर, गुड बाय.